अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अक्सास किचन। आज हम बनाने वाले हैं पनीर बटर मसाला। तो हमने यहाँ पे 150 ग्राम पनीर लिया है और इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम चलते हैं इस रेसिपी के दूसरे प्रोसेस में। यहाँ पर हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप की हुई प्याज। प्याज को हल्के से भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और अब हम इसमें डाल लेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ध्यान रहे हमने पनीर में भी अदरक लहसुन यूज़ किया था, तो कम ही यूज़ करें। और इसे भी हल्का सा भून लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल चले जाए। और अब हम इसमें डाल लेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, रफली चॉप करके यूज़ करेंगे। और टमाटर डाला है तो ऑब्वियसली नमक तो डालेंगे ही, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। और इसमें डाल लेंगे 10 से 12 काजू। काजू आप भिगो के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट ढक्कन ढक के लो मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे ताकि हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से गल जाए। जब ये गल जाएंगे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद एक ब्लेंडर में डालकर बिना पानी ऐड करे इसे ब्लेंड कर लेंगे। सेम पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर सारे मैरिनेट किए हुए पनीर को डाल लेंगे। इसके साइड्स को चेंज करके अच्छे से इसे फ्राई कर लें। ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, बिल्कुल हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो पनीर रबर जैसा हो जाएगा। अगर आपको पनीर बहुत सॉफ्ट चाहिए तो फ्राई करने के बाद गुनगुने पानी में इसे भिगो के रख लें। जब करी बनाएंगे तो जब इसे निकाल लें। और अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने। यहाँ पे एक कढ़ाई में 4 से 5 क्यूब बटर डाल लेंगे और 1 चम्मच जितना ऑयल। आप बिना ऑयल यूज़ करें सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं। और जैसे ही बटर मेल्ट होता है हम इसमें डाल लेंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1 तेज़पत्ता, 3 से 4 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। और इसी के साथ हम डाल लेंगे 1/2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसी के साथ साथ हम डाल लेंगे जो प्यूरी हमने तैयार किया था। तुरंत ही इस प्यूरी को ऐड करें, नहीं तो लाल मिर्च जल जाएगी और आपकी ग्रेवी में कलर नहीं आएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसका जो मॉइस्चर है अच्छे से ड्राई हो जाए। अगर इस मोमेंट पर आप इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे तो आपकी ग्रेवी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब 2 से 2.5 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1/2 कप दही। दही को ज़रूर ऐड करें, स्किप ना करें। दही ऐड करने से इस रेसिपी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और अब हम इसे अच्छे से पका लेंगे, बिना पानी ऐड करे इसे भी अच्छे से पका लेंगे ढक्कन ढककर 1/2 मिनट तक। अब ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लेंगे। अब देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितने अच्छे से पक रही है। और अब इस मोमेंट पर हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड कर लें। मैंने यहाँ पे 1/2 ग्लास जितना पानी ऐड किया है। और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पका लेंगे 1 से 2 मिनट तक। और आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी अच्छे से पक रही है। अब हम इसमें डाल लेंगे हमारे फ्राई किए हुए पनीर। पनीर डालकर अब इसे भी 1/2 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब हम इस डिश को और भी रिच और क्रीमी बनाने के लिए यहाँ पे डालेंगे 2 टेबलस्पून क्रीम। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको इस रेसिपी को और रिच और क्रीमी बनाना चाहते हैं तो ऐड कर लें, नहीं तो इसे स्किप कर लें। क्रीम ऐड करने के बाद जब इसे पकाएंगे तो बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से पका लें। और ये अच्छे से पकने के बाद अब हम इसमें डाल लेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने से आपकी डिश में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करके 1/2 मिनट तक ढक्कन ढक के लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। और अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। इसे निकाल लेंगे एक सर्विंग प्लेट या फिर बॉल में और इसे सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म रोटी, पराठा, चावल या फिर नान के साथ। और इसे गार्निश करेंगे क्रीम और धनिया पत्ते से। और अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी रेसिपी फॉलो करके ज़रूर बनाएं। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।